है ज्ञानवी इतिहास। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया समय के प्रारंभ से। समय के प्रारंभ से मानव जीवन का विकास, मानव जीवन की सभ्यता के बारे में आपको बताया, आदि मानव के बारे में बताया। आज मैं उसके आगे आदि मनुष्य में सुवीर्यवासी सर्वाधिक प्रतिमा संपन्न तथा सभ्यता के जन्मदाता थे। मेसोपोटामिया लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा मेसोपोटामिया लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हमने मानव जीवन के पृथ्वी पर अवतरण से लेकर मानव के विकास आदि का अध्ययन किया। नवपाषाण युग के दौरान मानव ने खेती बाड़ी प्रारंभ की और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पहले की अपेक्षा अधिक कुशल और परिष्कृत औजार बनाने लगा। वह कमोवेश व्यवस्थित जीवन बिताने लगा। इस प्रकार मानव ने नवपाषाण युग के दौरान प्रगति पथ पर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। पिछले हजारों वर्ष से वंचित संचित ज्ञान अनुभव तथा नए आविष्कारों के कारण मानव ने प्रगति के एक नए चरण अर्थात सभ्यता के चरण में प्रवेश किया। विश्व में प्रारंभिक सभ्यताओं का उदय कतिपय नदी घाटियों में हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नदियाँ घाटियों के क्षेत्र की स्थितियाँ सभ्यता के विकास के अनुकूल थी। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपजाऊ जमीन थी जिस पर आसानी से खेती की जा सकती थी। खेती बाड़ी के लिए आवश्यक पानी बहु यातायात में उपलब्ध था। इस अध्याय में हम नदी घाटी के किनारे विकसित मेसोपोटामिया सभ्यता का अध्ययन करेंगे जहाँ से शहरी जीवन की शुरुआत होती थी। फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित आधुनिक इराक को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के शब्दों मेसो अर्थात फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित आधुनिक इराक को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के शब्द मेसो अर्थात मध्य और पोटेमोस अर्थात नदी से मिलकर बना है। इस प्रकार यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ दो नदियों के मध्य का क्षेत्र है। इन दो नदियों के नाम हैं दजला और फरात। अंत जो भूभाग दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित है उसे ही मेसोपोटामिया कहते हैं। मेसोपोटामियम की शब्दा विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में ही हुई थी। प्राचीन काल में मेसोपोटामिया अपनी सभ्यता लेखन कला शहरी जीवन साहित्य गणित एवं खगोल विद्या के लिए जाना जाता था। दक्षिण मेसोपोटामिया में 5000 ईसा पूर्व से बस्तियों का विकास होने लगा। कालांतर में इन बस्तियों से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया था। इस क्षेत्र के शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कन कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के पश्चात जब बेबीलोन यहाँ एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था तब इस क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। उस असीरियाइयों ने लगभग 1100 ईसा पूर्व में उत्तर में राज स्थापित कर लिया था। तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। इस प्रकार इराक को दजला और फरात नदियों के मध्य के क्षेत्र में विभिन्न सभ्यताओं सुमेरिया बेबीलोनिया और असीरिया
सभ्यता का विकास हुआ था। इन सभ्यताओं को सम्मिलित रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इन सभ्यताओं के संबंध में कहा जाता है कि सुमेरिया की सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता को जन्म दिया, बेबीलोनिया ने उसे चरम पर पहुंचाया और असीरिया ने उसे ग्रहण किया। सभ्यता की खोज। मेसोपोटामिया के लोगों को 18वीं शताब्दी तक अपने प्राचीन गौरव का कोई ज्ञान नहीं था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में लियोनार्ड वुली ने इराक के प्राचीन नगर उर में उत्खनन कार्य कराया। इस उत्खनन में अनेक मिट्टियां की तख्तियां, शाही कब्रें, भवन तथा अन्य कलात्मक वस्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए। इस स्थान के उत्खनन से प्रोत्साहित होकर पुरातत्वविदों ने अनेक स्थानों पर उत्खनन कराया, जिसके फलस्वरूप बाबुल, निन्नवे, निसपुर, उरुकमारी और लगाख आदि नगरों के अवशेष प्राप्त हुए। इसके बाद 1850 ईस्वी में एक अंग्रेज पुरातत्वविद रॉलिंसन ने इराक के विस्तून नामक नगर के समीप एक ऊंचे पहाड़ पर एक शिलालेख खोज निकाला, जिसे प्राचीन ईरानी सम्राट डेरियस दारा प्रथम द्वारा लिखवाया गया था। यह शिलालेख फारसी तथा बेबीलोनियन भाषा में लिखा हुआ था। इस लेख को पढ़कर रॉलिंसन ने इस प्राचीन सभ्यता का रहस्य खोला। तत्पश्चात दूसरा शिलालेख 1901 ई में इराक के प्राचीन नगर मूसा से प्राप्त हुआ। यह शिलालेख काले रंग के पत्थर पर लिखा हुआ था। उस पर बेबीलोनियन भाषा में एक कानून संहिता लिखी हुई थी। इन प्राचीन से मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता का ज्ञान हुआ। मेसोपोटामिया की सभ्यता का उल्लेख बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड असाइनमेंट में देखने को मिलता है। उदाहरण, ओल्ड असाइनमेंट की एक बुक ऑफ जेनेसिस में अर्थात सुमेर के विषय में कहा गया है कि वह ईंटों से बने शहर हैं। यूरोप के विद्वान इस भूमिका को एक प्रकार से अपने पूर्वजों की भूमिका मानते थे। जब इस क्षेत्र में पुरातत्व की खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के शाब्दिक सत्य को सिद्ध करने का प्रयास किया गया। वर्ष 1873 ईस्वी में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा शुरू किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में वर्णित जल प्लावन की कहानी लिखी हुई थी। बाइबल के अनुसार यह जल प्लावन पृथ्वी पर महापूर जीवन को नष्ट करने वाला था, लेकिन परमपिता ने जल प्लावन के बाद भी पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक वैज्ञानिक का चुनाव किया। नोआ ने एक बहुत बड़ा जहाज बनाया और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रखा लिया था। जल प्लावन हुआ तो शेष सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन जहाज में रखे समस्त जोड़े सुरक्षित बच गए। इसी प्रकार की एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में पाई जाती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को जीव शुद्ध या उतना प्रतिष्ठित कहा जाता था। 1960 ई के दशक तक कहा जाता था कि ओल्ड इस्टामेंट की कहानी शाब्दिक दृष्टि से तो सत्य नहीं है, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने तरीके से अभिव्यक्त करती है। कालांतर में पुरातत्व तकनीकी परिकृत और उन्नत होती गई, जिससे बाइबल की कहानियों की शाब्दिक सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य नियता में चला गया। मेसोपोटामिया का भूगोल
मेसोपोटामिया ईराक का एक पहाड़ी भाग है। इसके दक्षिण में फारस की खाड़ी है जो इसे समुद्र के विशाल भाग से संयुक्त करती है। इसके अतिरिक्त इसके दक्षिण पश्चिम में मिस्र ईरान स्थित हैं। ईराक एक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऊंचे नीचे हरे भरे मैदान जो कालांतर में वृक्षों से आशांसित पूर्व पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में फैलते गए हैं। यह क्षेत्र स्वच्छ पानी के झरनों एवं जंगली फूलों से परिपूर्ण है। इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा भी होती है जिससे खेती भी अच्छी होती है। इलाके में लगभग 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के मध्य खेती बाड़ी शुरू हो गई थी। उत्तरी भाग में ऊंची भूमि है जहां स्टेपी घास के मैदान हैं। यह क्षेत्र पशुपालन के लिए काफ़ी उपयुक्त है। यहां के लोगों की आजीविका के लिए पशुपालन खेती की तुलना में अधिक अच्छा साधन है। पूर्वी भाग में दजरा नदी की सहायक नदियां हैं जो ईरान के पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दक्षिण भाग रेगिस्तानी है। इसी क्षेत्र में सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का उद्भव हुआ। फारस नदी इसी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कई धाराओं में बढ़कर बहती है। प्राचीन काल में ये धाराएं नहरों के रूप में सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती थी। यहाँ पर गेहूं और मटर की खेती की जाती थी। दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती आवश्यक वर्षा की कमी के बावजूद सबसे अधिक उपज देती थी। इस क्षेत्र में खेती के अतिरिक्त पशुपालन भी किया जाता था। पशुपालन से प्रचुर मात्रा में मांस दूध और ऊन आदि वस्तुएं सुलभ थी। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र की नदियों में मछलियों की प्रचुरता और खजूर के फलों की उपज खूब होती थी। इससे स्पष्ट होता था कि इस क्षेत्र में प्राकृतिक उर्वरकता तथा खाद उत्पादन के स्तर उच्च थे। लेकिन यह मानना गलत होगा कि मेसोपोटामिया में शहरों का विकास केवल इसी ग्रामीण समृद्धि के कारण हुआ था। शहरों के विकास के लिए अनेक कारकों का योगदान रहा जिसके विचार में इसी अध्याय में आगे अपन अध्ययन करेंगे।